हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को एक स्वीट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है ग्वावा हलवा। ग्वावा सब लोग इसे पेरू भी कहते हैं, अमरूद भी कहते हैं, प्यारा भी कहते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग इसके नाम हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, लेकिन आज मैं इससे आप लोगों को एक अलग ही यूनिक डिश शेयर करने जा रही हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने 5 ग्वावा ले लिए हैं, पके हुए हैं ये, थोड़े आप कच्चे भी ले सकते हैं। और इसको सबसे पहले वॉश कर लिया है मैंने। अब इसका ये जो ब्लैक पोर्शन आप देख रहे हैं, इसको पहले मैं कट कर लूँगी। इस तरह से, और थोड़ा सा पीछे का पोर्शन। इसी तरह से आपको सारे ग्वावा को साफ कर लेना है। ये देख सकते हैं, सब मैंने अच्छी तरह से कर लिया है। अब इसके हम लोगों को पीसेस कर लेने हैं। ये देखिए, ऐसे करके आप लोगों को इसके पीसेस कर लेने हैं। एक को मैंने 4 पीस में बांट लिया है। इस तरह से सारे के पीसेस हम लोग कर लेंगे और फिर इसको कुकर में हम लोग बॉईल करेंगे। ये देखिए, मैंने 5 ग्वावा को अच्छी तरह से पीसेस में कट कर लिया है और अब हम इसको कुकर में बॉईल करेंगे। पानी देख लीजिए आप, कुकर में मैंने कितना लिया है उतना ही पानी लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। इसको हमें 4 विसल आने तक बॉईल कर लेना है। चार विसल जब इसकी आ जाएगी कुकर के, तब हम लोगों को इसको बंद कर देना है। मीडियम फ्लेम पे हमको विसल लेना है। ये देखिए, हम लोगों का अच्छी तरह से ग्वावा बॉईल हो गया है। अब हम लोग इसको पानी से निकालते हुए मिक्सर में ग्राइंड करने के लिए रेडी करेंगे। ये देखिए, ग्वावा मैंने इससे अच्छी तरह से छान के ले लिया है। इसका पल्प, स्मूथ पल्प देखिए निकल गया है और इसमें देखिए ये बीज आ गए हैं पूरे। ये मैंने छन्नी से नहीं छाना बल्कि इससे छान लिया। आप छन्नी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम लोग अलग हटा देंगे क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं सारे बीज हैं। तो इसको मैं अलग हटा रही हूँ और इसको अब हम लोग कढ़ाई में, सबसे पहले हम लोग, मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, सबसे पहले हम लोग इसमें घी डालेंगे। ये देखिए, मैंने 2 चम्मच घी ले लिया है और अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे ये पल्प। अच्छी तरह से मैंने इसको छान के ले लिया, इसके अंदर बीज बिल्कुल नहीं है। और इसको हमको अब भूनना है, धीरे धीरे चलाते हुए 20 मिनट तक लगभग इसको भूनना है ताकि थोड़ा सा इसका मॉइस्चर कम हो जाए और इसमें एक थिकनेस आ जाए। ये थिक हो जाएगा। अभी आप देख सक रहे हैं ये बिल्कुल पतला है, धीरे धीरे भूनते हुए ये थिक हो जाएगा। ये देखिए, ये अभी तक भून के 10 मिनट हो गया हम लोगों को और अभी इसका थिकनेस आप देख सकते हैं, ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब इस पर हम लोग, मैं शुगर नहीं बल्कि जैगरी मैं ले रही हूँ। ये 200 ग्राम जैगरी है। और धीरे धीरे चलाते हुए इसको इसके साथ मेल्ट होने तक हमें भूनना है फिर से। ये देखिए, हमारा हलवा बिल्कुल रेडी। ये है ग्वावा का हलवा।
अब हम लोग गैस का फ्लेम स्लो करके 2 मिनट रखेंगे इसको, उसके बाद फिर हम लोग बंद करेंगे गैस। ये मैंने कैश्यू नट और एलमंड्स लिया है, ये हम लोग इसके ऊपर डाल देंगे। आप चाहें तो रेजिन भी यूज़ कर सकते हैं, पिस्ता, आपको जितने ड्राई फ्रूट चाहिए आप सब यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये 2 ड्राई फ्रूट लिया है, ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो गया हम लोगों का हलवा, बनके तैयार खाने के लिए। एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। बस हम लोग गैस का फ्लेम बंद कर दें। ये देखिए हमारा हलवा बनकर बिल्कुल तैयार। जैगरी मैंने यूज़ किया है हलवा बनाने के लिए गुआवा के साथ, आप चाहे तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं जैगरी के प्लेस पे। एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और हमें बताइए गुआवा हलवा आपको कैसा लगा। थैंक यू।